पिछली क्लास में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी करी थी हमने ये स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड होती है अगर एयर या वैक्यूम में हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वन अपॉन अंडर रूट उट नॉट अप्साइल नॉट जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे नॉट अपसाइलिन नोट की वैल्यू पुट करके तो यह आएगा थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड लेकिन अगर आपने मीडियम चेंज किया किसी मीडियम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करें तो ये स्पीड आएगी वी इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू इन टू ये म्यू क्या है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी म्यूनोट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर या वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी को हम क्या बोलेंगे म्यूनोट ये होता है फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन वेबर पर एम्पियर मीटर और ये जो अपसाइलेंट नोट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसकी वैल्यू भी याद रखनी है ये होगा 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एक्स टू पावर माइनस ट्वेल्व गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर देखो इनकी ऐसे यूनिट्स भी आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में वन मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन में है ऐसा यूनिट भी पूछी जाती है मीडियम के अंदर v इज लेस देन c जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या है कम कोई भी मीडियम हो जितना डेंसर मीडियम होगा किसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कम होती जाएगी तो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रो वेव्स की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगी ठीक है एक चीज़ और हमने स्टडी करी थी कि जो इलेक्ट्रो वेव्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कौन कौन सी तीन चीजें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों क्या होंगे हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लोंग है मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लोंग है तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी मतलब तीनों क्या होने चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे चेक करेंगे उसको तो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कंसिडर की जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन आएगी वही किसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव

वेरी करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होंगे टाइम के साथ में चेंज होते रहेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस के लोंग ये वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस मान लो तो जेड एक्सिस कहलाऊ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो जेड एक्सिस के लोग हम कंसिडर कर रहे हैं इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग वेरिएशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग वेरिएशन करेगा और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो क्या रहेगी एक्स एक्सिस के अलॉन् तो ये डायग्राम हमको याद रखना है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सिर्फ डायग्राम कई बार तो डायग्राम ही पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम ड्रॉ करके बताओ तो उसमें आपको यही पूछा जाता है मतलब या यही वो पूछना चाह रहा होता है एग्जामिनर कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते ये चीज़ हमको याद रखनी है ये हमेशा क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इसके बाद में हमने इनके प्रोडक्शन का तरीका भी स्टडी किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है पहला तरीका क्या बताया था जो फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का वो है ऑसिलेटिंग चार्ज ऑसिलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि जब हम किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं मतलब उसको कुछ एनर्जी दी जाती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके अपर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं लेकिन वो वहाँ पर स्टेबल नहीं होते स्टेबिलिटी में आने के लिए वो क्या करेंगे उस जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्व की है उसको रिलीज करके वापस से अपनी मैन ऑर्बिट में आ जाएंगे तो जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेंगे इलेक्ट्रो वेव्स की फॉर्म में है ना एक और तरीका है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर स्टॉप कर दिया जाए सडनली एक मेटल टारगेट से टकरा के अगर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है अगर उनको रोक दिया जाए तो उनकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है मतलब जो एनर्जी होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास तो जैसे वो किसी मेटल टारगेट से टकराएंगे और एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एमिट होगी उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम एक्स रेज बोलते हैं मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक मेटल टारगेट से टकरा के रोका जाए तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी वाली होंगी एक्स रेज एक्स रेज प्रोड्यूस करने का तरीका यही होता है कि हम एक मेटल टारगेट से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को टकरा के रोक देते हैं और उससे क्या होगा उनकी एनर्जी एक्स रेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ये तरीके ये मेथड होते हैं मतलब इससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर पाते हो ठीक है इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स डबल स्टार लगा लो एक पक्का क्वेश्चन इसमें से आता है मतलब अब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ पहली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज देखो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट होगा एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है या तो उसकी स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही हो स्पीड कम हो रही है तब भी एक्सेलरेशन होता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं तो जब भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है ठीक है पहला पॉइंट ये है दूसरा जो पॉइंट है वो ये है ये याद करने सारे पॉइंट्स अपन को ठीक है दूसरा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मैटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए प्रोपेगेट होने के लिए किसी भी मैटेयल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे साउंड वेव्स हैं अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है बिना किसी मीडियम के साउंड वेव्स ट्रेवल कर ही नहीं सकती अगर इस रूम के अंदर से अपन एयर को हटा दें वैक्यूम कर दें तो मैं चाहे कितना ही तेज बोलूँ आपको कुछ सुना ही नहीं देगा ये तो होती है मैटेरियल वेव्स मैटर वेव्स बोलते हैं इनको वैसे जिनमें मैटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैटर वेव्स होती है मतलब इनमें बिना किसी मैटेरियल के ये ट्रेवल कर सकती है ये कैसे पता चला तो देखो जो लाइट होती है ना वो एक इलेक्ट्रो वेव होती है और जब सन से अर्थ तक लाइट आती है तो स्पेस के अंदर बीच में काफ़ी जगह पर वैक्यूम होता है स्पेस के अंदर कई जगह क्या होगा वैक्यूम अब सन से आने वाली लाइट उस वैक्यूम को क्रॉस करके भी अर्थ तक आ रही है इसका मतलब बीच में जो वैक्यूम आया उसमें से जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं नहीं तो वहीं पर ब्लॉक हो जाती वहीं पर रुक जाती वो है ना अगर उनको मैटेयल मीडियम चाहिए होता तो लाइट अपने अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती तो इससे प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिफरेंट टाइप की जितनी भी हैं उनके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो बिना किसी मटेरियल मीडियम के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती हैं तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो स्पीड के बारे में है ये मैंने आपको बताई दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू अपसाइलन नॉट और कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड के बराबर आती है मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है और मीडियम अगर चेंज करोगे तो म्यू नॉट और नॉट की जगह म्यू और अपसाइलन आएगा है ना ये वैक्यूम के लिए बताया है लेकिन अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो म्यू भी चेंज होगा और अब सैलेंट भी चेंज होगा तो उस कंडीशन में आंसर डिफरेंट आएगा मतलब स्पीड ऑफ लाइट से वैल्यू थोड़ी कम आएगी कैलकुलेशन से तो याद रखना है मीडियम में लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से फिर अगली जो प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी उस पर स्टार लगा लो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैगजम वैल्यूज हैं इनका जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा हमेशा ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप स्टडी कर रहे हो ना ये कॉमन प्रॉपर्टीज है आगे फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और भी पढ़ेंगे अपन कि एक्स रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है गामा रेज की क्या होती है रेडियो वेव्स की क्या होती है वो अलग है अभी तो सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं कॉमन प्रॉपर्टी जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और ये किसके बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के अंदर चेंज होते रहते हैं साइमल्टेनियसली तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनका रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और ये किसके बराबर होगा रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा अब ये आया कहाँ से तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी ना उनको सॉल्व करने पर यह फॉर्मूला ये रिलेशन आता है अपने पास न्यूमेरिकल्स uh, वगैरह में यूज़ करेंगे ये रिलेशन कई बार क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है मैक्सिमम वैल्यू इतनी है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो पता ही होती है अपन को ई e नोट पता हो तो बी नोट कैलकुलेट कर सकते हो क्या कर सकते ना इस फॉर्मूले को यूज़ करके तीन ही तो चीज़ें दो पता हो तो एक तीसरी चीज़, चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है जिसमें एक चीज तो ऑलरेडी पता है अपन को स्पीड ऑफ लाइट तो इस तरीके से उस न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसको यूज़ करेंगे अपन फिर इसी में आगे दो इक्वेशन्स बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जैसा अपन जानते हैं कि दो चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो इसको मैं लिखूंगा ई इक्वल्स टू नॉट साइन भाई ये तो हमको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं वे फॉर्म बनाई थी ना अभी तो साइन फंक्शन आएगा इक्वेशन क्या बनेगी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ठीक है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन होगी बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन उमेगा टी प्लस के एक्स हमने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा सेम होता है तो साइन फंक्शन के आगे दोनों ही जो इक्वेशंस हैं उनमें जो भी लिखा हुआ रहेगा वो सेम रहेगा बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे ई नॉट और बी नॉट का डिफरेंस है दोनों इक्वेशन्स में एक ही चीज़ का डिफरेंस है और वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन में ई इक्वल्स टू ई नॉट आएगा ऐसा कुछ है ना और मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन में बी इक्वल्स टू बी नॉट ऐसा कुछ आएगा और ई e नॉट और बी नॉट के बीच का रिलेशन हमको पता ही है अगर हमको ये इक्वेशन पता है तो क्या हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं अगर हमें ये इक्वेशन पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे ई e नॉट की जगह क्या आएगा बी नॉट और बी नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे तो बी नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे ई नॉट अपॉन सी उससे कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे तो वो किसकी इक्वेशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन जाएगी बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी ये आगे वाला फंक्शन सेम रहेगा यहाँ पे ये यह जो ओमेगा है इसको क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद है क्या ये ओमेगा ऐसे वाले चैप्टर में पढ़ा था ना ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू पाई बाई टी या फिर टू पाई एफ की जगह यहाँ पे न्यू वाला सिंबल यूज करेंगे ये वाला जो सिंबल है ना वी जैसा इसको क्या बोलते हैं न्यू ठीक है अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये यह जो के है ये क्या चीज है तो के को हम बोलते हैं वेव नंबर और इसका फॉर्मला होता है टू पाई बाई लेमडा लेमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ और ये जो न्यू है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी अच्छा इनमें भी एक रिलेशन होता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा ये आपस में रिलेशन है अगर आपको न्यू पता है तो वेवलेंथ लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो लेमडा पता है तो फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाई यूजिंग दिस रिलेशन न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा ये रिलेशन हम याद रखेंगे अब ये जो इक्वेशन है इनका यूज क्या है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगी ये इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक दो चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे अगर हमने x लिखा है तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है ये x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है अगर मैं यहाँ पे लिखता y के वाई भी लिख सकता हूँ इसकी जगह या के जेड भी लिखा जा सकता है तो के वाई का मतलब होता है दोनों जगह के वाई के वाई आता है इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना एक्स वाई या जेड और जो भी लिखा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही होगी अभी जैसे मैंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो मैंने एक्स लिखा वहाँ पर अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा जेड एक्सिस क्योंकि आप E क्रॉस B से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन डिसाइड करते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा Y एक्सिस और ये होगा Z एक्सिस तो ऐसा Y और Z भी लिखेंगे अपन साथ में इसमें जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है Y एक्सिस के लॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है जेड एक्सिस के लॉन्ग है और वेव ट्रेवल कौन सी डायरेक्शन में कर रही है एक्स एक्सिस के लोग ठीक है अब एक चीज़ बताओ सोच के कि अगर यहाँ पे वाई लिखा होता तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखता अगर वहां पे वाई वाई होता मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है एक्सिस के लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लेना है एक्सिस याद है ना बताया था और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस तो यहाँ पे जेड लिखता है और यहाँ पे एक्स लिखा जाता समझ गए बात ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है अपन को इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टूट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ़ देर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस आर ट्रांसफर्स इन नेचर लाइक लाइट वेवस देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस हैं जितनी भी टाइप की हैं वो सब ट्रांसफर्स वेव होती है आपने पढ़ा होगा इलेवंथ में कि दो टाइप की वेवस होती हैं एक को हम बोलते हैं लोंगी ट्यूडनल वेव्स एक को हम बोलते हैं ट्रांसफर्स वेव है ना एक तो होती है लोंगी ट्यूडनल जैसे साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी होती है लोंगे टूडनल वेव्स में क्या होता है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग वाइब्रेशन करते हैं और दूसरी वो होती है जो जैसे पानी के अंदर बनती है पानी के अंदर आप पत्थर डालोगे तो वेव बनेगी ऐसे ऐसे ठीक है उसमें वेव आगे ट्रेवल कर रही होती है और मीडियम के पार्टिकल कोई ऊपर जा, को जा रहा होता है कोई नीचे जा रहा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल मोशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होना वाइब्रेशन मतलब वेरिएशन होना एक तरह से ऐसे समझ लो इसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी आपने क्या देखा था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा था उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर चेंज हो रहा था तो इस टाइप की वेव्स को क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव बस नाम याद रखना है नाम पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की वेव होती है मतलब तो इतना डिटेल में बता रहा हूँ इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे ठीक है अगली जो प्रॉपर्टी वो ये है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर्स जो टोटल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है भाई दो चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है तो आधी एनर्जी तो किस फॉर्म में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी और हाफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी होती है एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं वैसे इसको एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फॉर्मिला होगा वन बाई टू ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है वन बाई टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ये किसका फॉर्मला है ये है एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यह है एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जैसे मान लो कि एक लाइट का बल्ब है सपोज करो तो लाइट के बल्ब से चारों तरफ लाइट एमिट हो रही है तो वो जो लाइट एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी चारों तरफ लाइट होगी किसी वॉल्यूम के अंदर इस रूम में जैसे लाइट है सब उसको एक बल्ब लगा दिया तो चारों तरफ लाइट निकल रही है उससे अब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आपने देखा कि इतने इतने वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम है इसमें कितनी एनर्जी है तो उस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसमें जितनी एनर्जी को उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो क्या आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका ये फॉर्मला है अच्छा ये ई e जो है ना ई e और बी जो मैंने लिखा है इनको हम बोलते हैं आर एम एस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये वही है जैसे ए सी में पढ़ा था ना पन्ने ई इक्वल्स टू क्या था ई आर एम एस क्या था ई नॉट बाई रूट टू और जैसे बी को अगर मैं लिखूंगा तो ये बी नॉट बाई रूट टू बन जाएगा जैसे ई आर एम एस था ना इर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आर एम एस वैल्यूज है स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको हमने यहाँ पे ई e और बी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे याद रखना कि जो ई e और बी का मतलब है वो क्या है आर एम एस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और इसका फॉर्मूला क्या होगा ई इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट टू और बी इक्वल्स टू बी नॉट बाई रूट टू साइड में लिख लेना ये छोटा सा है ना ई e का मतलब है ई नॉट बाई रूट टू और बी को बी को क्या बोलेंगे बी नॉट बाई रूट टू ये है आर एम एस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड याद कर लेना इनको कि ये सिंपल ई e लिखा हुआ तो इसका मतलब वो ई नॉट बाई रूट टू के बराबर होगा सिंपल बी लिखा है तो बी नॉट बाई रूट टू होगा ई नॉट बी नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्मला याद रख रहे हैं अपन को ठीक है टोटल एनर्जी कितनी होगी मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस की तो वो यू ई प्लस यू बी के बराबर होगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी यू ई e प्लस

अगली जो प्रॉपर्टी वो है द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज अनचार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती है उन पर कोई चार्ज नहीं होता इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता कैसे ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हो जैसे मान लो एक टॉर्च है उससे आप लेजर लाइट है सपोज करो लेजर लाइट से आपने लाइट डाली तो वो सीधी जाती है एकदम देखा होगा आपने जहाँ पे पॉइंट करोगे वहां पे जाके आपको लाल रेड रेड कलर का डॉट आपको दिखाई देगा अब आप क्या करो उसके पास में मैग्नेट को लेके आओ तो आप क्या देखोगे कि डॉट अभी भी वहीं पे बन रहा है मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा इधर उधर ऊपर नीचे नहीं बनेगा इसका मतलब जो लेजर लाइट है यानी लाइट जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो उस मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसके चारों तरफ उससे अफेक्ट नहीं होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना भी मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप ट्रेवल करवाओगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जैसे जा रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चलती जाएंगी क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता वो सिर्फ एनर्जी होती है इलेक्ट्रो वेव क्या है सिर्फ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे ठीक है तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अनचार्ज होती है उन पर कोई चार्ज नहीं होता वो सिर्फ एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पे होता है चार्ज पे होता है याद है एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो फोर्स लगेगा एफ इक्व टू क्यू ई बी साइन थीटा तो चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगते हैं चार्ज ही नहीं है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा या उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा और जो नाइन्थ प्रॉपर्टी इसमें लिखी है वो है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डायलेक्ट्रिक यानी किसी मीडियम की बात हो रही है इज लेस देन सी यानी थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड से कम होती है ये बताया ना आपको तो ये नाइन्थ प्रॉपर्टी थी टेंथ प्रॉपर्टी पे स्टार लगा लो इसमें आपको एक वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है जि जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर इसको समझना ध्यान से इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा मोटा फॉर्मूला याद करना है अब ये है क्या चीज़ वो बताता हूँ आपको पहले तो पॉइंटिंग वैक्टर इसको हम एस के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज़ है ये पॉइंटिंग वैक्टर होता क्या है देखो इंटेंसिटी वर्ड सुना है क्या कभी इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है इसका एरिया है ए और इस पर कोई एनर्जी किसी भी फॉर्म में आ रही हो वो इंसिडेंट हो रही है तो इस एरिया ए के ऊपर सपोज करो टी टाइम के अंदर टोटल एनर्जी ई इंसिडेंट हुई ई e यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ एनर्जी के लिए या यू लिख देता हूँ इसको सिंपल यू का मतलब है एनर्जी तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इस सरफेस एरिया के ऊपर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर यू एनर्जी टी टाइम के अंदर ए एरिया पे इंसिडेंट हुई तो इंटेंसिटी कितनी है उस एनर्जी की वो है यू अपॉन ए इंटू ठीक है कोई भी एनर्जी का सोर्स होता है जैसे बल्ब की बात करो तो बल्ब से चारों तरफ लाइट एनर्जी एमिट होगी अब पास में एक दीवार है उसके ऊपर लाइट गिर रही है यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है तो उस दीवार के ऊपर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं इस बल्ब की इंटेंसिटी बोलते हैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी का बल्ब होगा तो ज़्यादा एनर्जी फेंकेगा ज़्यादा एनर्जी फेंकेगा तो ज़्यादा एनर्जी इंसिडेंट होगी तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई ज़्यादा एनर्जी आ रही है या कम तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब क्या है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ठीक है उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम आ, ये टर्म यूज़ करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर हमने वर्ड यूज़ किया है किसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इसका एक फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में वन अपॉन म्यू म्यूनोट इंटू ई क्रॉस बी देखो ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो उस रेडिएशन एनर्जी या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को बताएगा ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं इस फॉमले में भी आ रहा है देखो ये पॉइंटिंग वैक्टर क्या है पॉइंटिंग वैक्टर ये बताएगा कि किसी भी सर्फेस पर कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रही है और कौन सी डायरेक्शन में क्योंकि डायरेक्शन यहाँ से आ जाएगी ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो इस डायरेक्शन में कोई भी सरफेस होगी उससे उसके ऊपर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी है ना तो इससे डायरेक्शन भी पता चलेगी इंटेंसिटी में तो क्या होता है कि ये विदाउट डायरेक्शन हमने सिर्फ ये लिखा है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेकिन इसमें क्या हो गई डायरेक्शन भी आ गई कि किस डायरेक्शन में वो एनर्जी आ रही है भाई ई e और बी वही चीज़ें ये आर एम एस वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो वन अपॉन इसको क्या लिख सकते हो ई नॉट अपॉन रूट टू और इसको क्या लिख सकते हो बी नॉट अपॉन रूट टू चलो मैं मैग्नेट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ इसका मैग्नेट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो एक चीज़ तो मुझे पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है नाइन्टी डिग्री तो जब मैं ई क्रॉस बी को ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा ई इंटू बी इंटू साइन थीटा थीटा कितना पुट करोगे नाइन्टी तो साइन नाइन्टी कितना हो गया वन तो उसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन म्यू नॉट इंटू ए इंटू बी ई की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है क्या बन गया ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मुला बन गया ना मतलब उसका मैग्नेटूड की वैल्यू आ गई तो जो इंटेंसिटी वर्ड हम यूज करें ना यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आप ये लिखोगे ई नोट इन टू बी नोट डिवाइडेड बाई टू रूट टू इंटू रूट टू क्या बन गया टू ये बन गया और ये फॉर्मूला अगर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में चाहिए तो बी नोट को हटा दो बी नोट को कैसे हटाओगे तो हमने पढ़ा था ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है तो बी नोट आप रिप्लेस करोगे बी नोट को क्या लिखोगे बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी तो ये फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है एस वैक्टर इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू नॉट इनटू टू बताओ क्या लिखू ए नॉट इन टू बी नॉट खींच गए बी नोट खींच क्या लिखना है ए नॉट बाई सी लिखना है टू पहले से था ये क्या बन जाएगा वन बाई टू म्यू नॉट इन टू सी ऊपर क्या गा? लो e और इसी को बी नोट के टर्म्स में लिख दो चाहे जैसे B है उसको replace किया था वैसे E को कर कर दो e क्या तो इसको solve कर लो जो भी आएगा आपको तो मैन फॉर्मुला याद करना है लिखो फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखो जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया और बोला पॉइंटिंग वेक्टर बताओ उसका मैग्नेट्यूड क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये फॉमला यूज करोगे अब ये तो काम नहीं आएगा ना उस टाइम पे क्योंकि इसमें बी बी है बी को हटाना पड़ेगा तो इस तरीके से हटा लेंगे उसको अपन अब अगला जो टॉपिक है वो है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वो और देखते हैं अब तो ये एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट था उसके बाद में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रियल में एग्जिस्ट करती हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरी जगह पर उनको रिसीव भी कर सकते हैं अब कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से समझना है हर्ज एक्सपेरिमेंट में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया वो था ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का किस में पढ़ा था हमने एल सर्किट में याद है ए वाले चैप्टर में एक टॉपिक आया था एल सी जिसमें चार्ज के ऑसिलेशन्स हो रहे थे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स की के ऊपर चार्ज कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था और उसकी वजह से कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी इंक्रीज़ हो रहा था कभी डिक्रीज़ हो रहा था तो ये वाली जो फिनोमिना थी एल सी ओसिलेशन वाली जिसमें हमने ये देखा था कि कैपैसिटी की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी हो रहा है चेंज हो रहा है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस को प्रोड्यूस कर सकता है तो वही मेथड हर्ज ने यूज़ किया मतलब एल सी सर्किट को यूज़ करके हर्ज एक्सपेरिमेंट से अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए एक तो होना चाहिए कैपेसिटर दो चीज़ें होनी चाहिए ना एल सी सर्किट में दो चीज़ें तो होती हैं एक तो क्या होता है कैपेसिटर और दूसरी चीज़ क्या होगी इंडक्टर इंडक्टर मतलब कोई कोयल या सोलेनोइड ठीक है ये इंडक्टर हो गया तो कौन सा सर्किट है ये एल सी सर्किट अब यहाँ पे इस कोयल को हमको हाई वोल्टेज देना है इस कोयल को क्या देना है हाई वोल्टेज तो यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट करने के लिए हम इसके पास में एक और कोयल रखेंगे और ये जो सिस्टम बनेगा इसको हम बोलेंगे इंडक्शन कोयल्स याद है ट्रांसफॉर्मर में कुछ ऐसा ही पढ़ा था अपन ने ये पूरा जो सिस्टम होता, होता है ना एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मर होता है ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इनक्रीज करना या डिक्रीज करना तो इसको ट्रांसफॉर्मर बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो इंडक्शन क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है ये वही चीज है ठीक है इंडक्शन कॉयल्स इसको बोल देता है कि ये वाला जो सिस्टम है और यहाँ पे हम लो एसी वोल्टेज सप्लाई में देंगे ठीक है क्या देंगे इधर लो एसी वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलेगा इन दोनों टर्मिनल्स के करोस इस कोयल के करोस क्या मिलेगा हाई ए सी वोल्टेज मिलेगा लो वोल्टेज देंगे और इधर क्या आउटपुट भी मिलेगा हाई वोल्टेज मतलब आपने कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ होगा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है स्टेप अप तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसको अपन इंडक्शन कोयल बोल देते हैं या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल दें एक ही बात है यहाँ पे हमको हाई वोल्टेज चाहिए हमारा मकसद ये है फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे तो डिटेक्ट करने के लिए हमने इससे थोड़ी सी दूरी पे ये दो प्लेट्स ऐसे रखी हैं तो इससे थोड़ा दूर हमने एक रिंग को रख दिया रिंग को बीच में से काट दिया एक जगह पे और इससे थोड़ा सा दूरी पे इस बोर्ड वाले प्लेन में जैसे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं ना वैसे हैं और यहाँ पर इस बोर्ड वाले प्लेन में हमने एक रिंग को रखा हुआ है ऐसे एक रिंग को रख दिया और ये बीच में से कट हुई है मतलब पूरा कनेक्टेड नहीं है इससे दो मेटल के छोटे छोटे स्फेयर्स को कनेक्ट कर दिया ताकि जो एंड पॉइंट्स है उनका सरफेस एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए ठीक है और इसी तरीके से इन दोनों प्लेट्स से भी हमने दो मेटल के छोटे छोटे स्फेयर्स को कनेक्ट कर दिया ये अरेंजमेंट किया हुआ है अब ये काम कैसे करेगा सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे लो वोल्टेज ऐसी यहाँ पे सप्लाई में देंगे यहाँ पे क्या मिलेगा हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा मान लो इसकी जो अपर प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लोअर प्लेट है उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि हाई वोल्टेज आपने सप्लाई में दिया है इसको तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है अच्छा इन दोनों स्पेयर्स को कनेक्ट करने का रीज़न क्या था इन प्लेट्स से तो ये जो चार्ज है इस प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है और हमको पता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके जो पॉइंटेड एंड होते हैं उसके जो नुकीले सिरे होंगे ना वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी जैसे मान लो आप एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप का सा और उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे तो इसके ये जो पॉइंटेड एंड होंगे इसका ये जो पॉइंटेड एंड है यहाँ पे पर चार्ज की डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा होता है ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि उसके पॉइंटेड एंड के ऊपर चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी है ना सबसे ज्यादा चार्ज वहां पे इकट्ठा होता है तो ये जो प्लेट्स है इनकी कंपैरिजन में इन स्पेयर्स का एरिया क्या है बहुत कम तो ये जो हाई चार्ज इसके ऊपर होगा बहुत सारा चार्ज इसके ऊपर होगा इस चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी तो क्योंकि आपने इन स्पेयर्स को इस प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है और प्लेट की कंपेरिजन में इसका सरफेस एरिया क्या है कम है तो इस पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी इस पर नेगेटिव चार्ज है और इससे हमने एक स्वेयर को कनेक्ट किया हुआ है जिसका सरफेस एरिया इस प्लेट की कंपेरिजन में कम है तो चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी यहाँ पर रहेगी इस स्वेयर पर रहेगी अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है इनकी डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा चार्ज छोटी सी जगह पे इकट्ठा हुआ हुआ है ये और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सेटअप हो गया मतलब एक वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ की जो एयर होती है ये जो एयर होगी ये आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाती है आयोनाइज़ होने का मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी एब्जॉर्ब करके और उनके एटम्स जो के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ से अगर कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस एटम या मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज तो इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन होगा ना यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके आसपास वाला ये जो रीजन है यहाँ पे दो टाइप की चीजें क्रिएट हो जाती है कौन कौन सी दो टाइप की चीजें एक तो पॉजिटिव आइंस और दूसरी चीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना ये तो पॉजिटिव आयंस है और ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं देखो आसपास अब अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन भी हैं फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं पॉजिटिव आयंस भी हैं तो वो मीडियम क्या बन जाता है कंडक्टिंग मीडियम अगर किसी रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं और पॉजिटिव आयंस भी घूम रहे हैं मतलब चार्ज कैरियर्स रियर्स अगर उसमें हैं तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इस टाइप की मीडियम को हम क्या बोलते हैं कंडक्टिंग मीडियम जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है तो यहाँ पे क्या होगा इन दोनों स्फेयर्स के बीच में जो एयर थी जो वैसे हो, क्या होनी चाहिए थी इंसुलेटर वो क्या बन गई एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो गई और कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट होने से क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जब ये चार्ज एयर के अंदर से ऐसे फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करने जाएगा तो यहाँ आप आपको एक स्पार्किंग दिखेगी ऐसे एक चमक से दिखेगी यहाँ पे यहाँ पे जो स्पार्किंग होगी वो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए एक वेरी स्मॉल्ट ये स्पार्किंग कंटिन्यूसली नहीं होती एक इंस्टेंट के लिए होगी एकदम से ये चार्ज पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब इधर से इधर जाके ये कैंसिल हो जाएगा तो एक इंस्टेंट के लिए यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिलेगी उस एक इंस्टेंट में क्या हुआ एक हाई करंट फ्लो हुआ क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था है हाँ ना पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था और हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और उस करंट की वजह से क्या हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया कितनी देर के लिए प्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए क्योंकि एक इंस्टेंट पहले तो यहाँ पे कोई करंट नहीं था जैसी स्पार्किंग होगी एक जैसे लाइटनिंग का जो टाइम होता है वो कुछ मिली सेकेंड का होता है एक बार चमक दिखती है अपन को उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा एक इंस्टेंट के लिए स्पार्किंग होगी उस इंस्टेंट के अंदर एक लार्ज करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ और उस लार्ज करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए रहेगा मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ करंट की डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड तो करंट की डायरेक्शन में राइट एंड थंब को करोगे तो फिंगर्स किधर कर लो रही है अगर ऊपर से देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है ऐसे ये क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसी प्लेन में क्या होगा ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट डाउनवर्ड है ना तो उसके करंट के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके कि किससे पास होगा ये जो रिंग रखी है ना अपने पास में इससे भी पास होगा अब रिंग को हमने इस तरीके से रखा है कि रिंग का जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है समझ में आ रहा है रिंग को ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इस रिंग को क्रॉस करके बाहर निकलेगा अब एक चीज़ सोच के बताओ कि यहाँ पे ये यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत कम है या बहुत ज़्यादा ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ये बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है अभी क्या बताया कि यहाँ पे एक हाई करंट फ्लो होगा और उस हाई करंट से क्या होगा एक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है एक इंस्टेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो बहुत बहुत ज़्यादा है ठीक है अब ये जो रिंग है इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फाइव इक्वल्स टू बी डॉट ए ठीक है तो बी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा अगर बी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ये वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा अब इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होने में या इसको चेंज होने में पहले जीरो था एकदम से करंट फ्लो हुआ एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इसको चेंज होने में कितना टाइम लगा वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल सा टाइम लगा मतलब डी टी यहाँ पे क्या है वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ में तो इसमें क्या प्रोड्यूस होना चाहिए एक ई एम एफ और करंट इंड्यूस होना चाहिए उस इंड्यूस इंड्यूसडमए का फॉर्मूला क्या होगा ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी यहाँ पे ये यह जो डी फाइव है यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत ज्यादा चेंज आया और टाइम कितना लगा बहुत ही कम है ना तो ये टाइम क्या है बहुत कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू होगी ये बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बहुत बड़ी होगी ना इसका मतलब एक हाई वोल्टेज इस कोयल के दोनों एंड्स के बीच में प्रोड्यूस होगा और ये हाई वोल्टेज जो या हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस कोयल के दोनों एंड्स के अक्रॉस जिसको हम इंड्यूसम है, बोलते हैं अगर यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन दोनों स्पेयर्स के बीच में और उससे क्या होगा यहां की जो एयर है वो भी आयोनाइज हो जाएगी और आयोनाइज होने की वजह से क्या होगा यहां पे भी सेम एक्टिविटी होगी एक पे हाई पोटेंशियल है स्पेयर पे एक पे लो पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा है बीच में एयर कंडक्टिंग मीडियम बन गई तो यहां पे भी आपको एक करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा मतलब ये एयर एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगी और इसकी वजह से इस कोयल के अंदर या इस रिंग के अंदर एक करंट फ्लो हो जाए करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा तो यहां से फ्लो होता हुआ दिखेगा आपको किसकी फॉर्म में स्पार्किंग की फॉर्म में तो जस्ट जैसे यहाँ पे स्पार्किंग होती है जस्ट उसके बाद में यहां पे भी स्पार्किंग होगी ठीक है अब ये सोच के बताओ कि यहां पे एनर्जी का कोई सोर्स लगाया है क्या अपन ने कोई सोर्स नहीं है यहां पे अगर स्पार्किंग हो रही है अगर यहां पे कुछ एनर्जी रिसीव हो रही है कुछ एनर्जी पहुंच रही है यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी पहुंची है तभी तो स्पार्किंग हुई तो इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो एक तरह से ट्रांसमिट होके पे पहुंच गई यहां पे हुआ क्या कि यहां पे जो एनर्जी एकदम से प्रोड्यूस हुई स्पार्किंग की फॉर्म में आपने देखी वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुंची तो उस एनर्जी को इस सिस्टम ने रिसीव किया ये एक्चुअल में क्या है यहाँ पे ये एक कंटीना है ये वाली जो रिंग है ना ये एक्चुअल में क्या होती है एक कैंटीना होती है जो उस एनर्जी को रिसीव कर रही है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रो वेव को प्रोड्यूस किया और यहाँ पे क्या किया उसको रिसीव किया रिंग एक्चुअल में क्या है एक कैंटीना है ना ये रिंग जो अपन ने लगाई ना इसको डिटेक्टर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है एक एंटीना है जो उस एनर्जी को रिसीव कर रहा है और यहाँ पे स्पार्किंग की फॉर्म में उसको दिखा रहा है वोल्टेज की फॉर्म में दिखा रहा है अपन को बात समझ में आई तो इससे हर्ज ने क्या किया एक शॉर्ट रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके दिखाई मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एपरेटस रखा है और उससे एक या दो मीटर डिस्टेंस पे ये रिंग रख दी और उसने देखा कि जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो करते ये इसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो पहले यहाँ पे स्पार्किंग होती है और जस्ट उसके बाद में यहाँ पे स्पार्किंग हुई मतलब हर्ज ने कुछ मीटर वेवलेंथ की या कुछ मीटर डिस्टेंस तक जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया ज़्यादा दूरी तक नहीं जा रही थी वो कुछ मीटर मतलब इस रूम के अंदर अंदर ही वो जाके खत्म हो रही थी तो बाद में फिर और भी साइंटिस्ट थे जैसे एम्पियर एम्पियर ने भी इसमें काफ़ी एम्पियर मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था तो ये इन सब ने क्या किया इस पर और रिसर्च किया फिर ऐसे एंटीना बनाए जिससे हम कई सौ किलोमीटर तक मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं अब उसमें और रिसर्च हुई ना बाद में ये तो एक लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से हो गई तो ये चीज़ जो पता चली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो हर्ज का एक्सपेरिमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है ठीक है अच्छा कितनी फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी तो आपको याद होगा कि एल सर्किट के लिए जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने क्या फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू बाई अंडर उड एल सी कोई भी एल सी सर्किट होता है वो इतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगी एल और सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की या कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ इस एल या सी को चेंज करना होगा समझ में आई तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो एल या सी की वैल्यू को कम कर दो फ्रिक्वेंसी कम करनी है तो एल या सी की वैल्यू को बढ़ा दो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होने लग जाएंगी चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में है मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब मैं इसमें आपको तीन चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी बाकी आपको याद करना है है ना तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं एक तो जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का तरीका किस तरीके से वो प्रोड्यूस होगी दूसरा उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद करनी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम क्या रखा जाता है ठीक है और तीसरी चीज आपको याद करनी है कि इनका यूज क्या है इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा या तो फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आएगा क्या आएगा कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताओ उसकी दो प्रॉपर्टी बताओ तो पहले तो नाम उसका पता करना पड़ेगा रेंज याद होगी तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज अपन लिख देंगे दो प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी ऐसे ठीक है तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैं आपको बता देता हूँ देखो ये इतने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ठीक है ये नाम आपको याद करने हैं। अब सीक्वेंस क्या है तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने अपने लिए बना रखी है आपको बता देता हूँ याद कर लेना इससे रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट ये लाइन याद कर लेना रेड का मतलब समझ गए होंगे रेडियो वेव्स मॉन्स्टर में एम आर इसका मतलब माइक्रोवेव्स इन का मतलब इंफ्रा रेड वेवस विलेज में बी आर विजिबल लाइट इसका कोई मतलब नहीं है कहीं इसका भी निकाल लो कोई मतलब अल्टीमेट का यू मतलब अल्ट्रा वायल रेस एग्जाम्पल में एक्स आएगा मतलब एक्स रेस ऑफ का कोई मतलब नहीं है घोस्ट में जी आर मतलब गामा रेस ठीक है अच्छा एक चीज़ याद रखना इधर से इधर जा रहे हो ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी होती है एनर्जी का फॉमला ये होता है देखो ई इक्वल्स टू एच न्यू तो आप इधर से इधर जाओगे तो क्या चीज़ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू तो क्या होता है सी बाई लैमडा और लैमडा और फ्रीक्वेंसी क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी तो याद रखो कि इधर से इधर जाओगे तो क्या चीज बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं गामा रेज लिविंग बीग्स के लिए यह खतरनाक वाला पोर्शन लाइट के बाद में स्टार्ट हो गया ये अल्ट्रा वायलेट रेस एक्स रेज और गामा रेस अरे यूवी फिल्टर का नाम सुना है क्या पानी प्योर करने के लिए अपन यूज करते हैं वो जर्म्स वगैरह को मारने के लिए यूवी रेज उस पर डाली जाती है पानी के ऊपर जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह उसमें खत्म हो जाते हैं और पानी क्या हो जाता है प्योर तो ये डेंजरस होती है लिविंग बींग्स के लिए अपने लिए भी ख़तरनाक है अल्ट्रावायलेट रेज एक्स रेज और गामा रेज ठीक है अच्छा पहली चीज़ क्या क्वेश्चन बनेगा इस पर आपको तीन चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम दे रखे होंगे और पूछेंगे कि बताओ इनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो कर सकते हो ये आपको ये याद होना चाहिए कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है अगर आपको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता तो तो उधर से स्टार्ट होगा फिर उल्टा होगा वो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा दूसरा अब इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है इनके यूज़ क्या है और इनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं ठीक है एक एक करके बताता हूँ सबसे पहले रेडियो वेव्स की बात करते हैं जो रेडियो वेव्स हैं जैसे इनका नाम है नाम से ही पता चला कि कहाँ पे यूज़ करते होंगे तो कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं रेडियो टीवी, मोबाइल रेडियो का मतलब कम्युनिकेशन एक तरह से ऐसे याद रखो तो रेडियो वेव्स को हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो टी मोबाइल इन तीनों कम्युनिकेशन के अंदर हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं देखो जो रेडियो वेव्स इनकी फ्रिक्वेंसी होती है टेन डैस टू पावर थ्री से लेकर टेन डैच टू पावर नाइन हर्ट्स तक कई बुक्स में टेन डैस्ट टू पावर फाइव से लेकर टेन डैस्ट टू पावर नाइन लिखा होगा टेन डेस्ट टू पावर नाइन हर्ट्स से बिलो जो होती है ना ये सब कौन सी होती हैं रेडियो वेव्स इससे बिलो अब कई बुक्स में टेन एस टू और थ्री से नाइन मिलेगा टेन एस टू पावर फाइव से नाइन मिलेगा लेकिन अपर लिमिट हमेशा नाइन रहेगी टेन एस टू पावर नाइन तक कौन सी वेव्स रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं एल सर्किट से इनको प्रोड्यूस करते हैं कौन से सर्किट से एल सर्किट बताया था ना एक एल और एक सी कैपेसिटर और इंडक्टर से बना हुआ जो सर्किट होगा ना उससे रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और तीसरी चीज़ ये सबसे कम डेंजरस है अपने लिए लिविंग बींग्स के लिए और साथ में इनका यूज़ का है तो कम्युनिकेशन में इनको हम यूज़ करेंगे ठीक है समझ में आया आपको पूछेंगे रेडियो में कौन सी वाली वेव्स यूज करते हैं टीवी का पूछेंगे मोबाइल का पूछेंगे है ना सेलुलर कम्युनिकेशन पूछेंगे सेलुलर मतलब मोबाइल ही है ना उसमें यही आती है काम दूसरा कौन सा है माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स की रेंज इससे थोड़ी ज्यादा रहेगी ये आ गया टेन डेस्ट टू पावर नाइन हर्ट से लेके थ्री इंटू टेन टू पावर इलेवन हर्ट तक ये कौन सी है माइक्रोवेव्स अच्छा इनको प्रोड्यूस कैसे करते हैं तो प्रोड्यूस करने पे क्वेश्चन आता है माइक्रोवेव्स पे इसके लिए स्पेशल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्लिस्ट्रोन ये नाम याद करने क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन और गन डायोड ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करेंगे जो माइक्रोवेव्स है इनको प्रोड्यूस करेंगे जैसे अपने घर पर माइक्रोवेव ओवन होता है ना अरे समोसा वगैरह गर्म करने के लिए दुकान पर भी रखा होता है वो तो ये जो मैंने तीन आपको डिवाइस बताए ना इनमें से एक लगा होता है उसमें जो माइक्रोवेवस को प्रोड्यूस करता है और इनकी खास बात क्या है कि ये जब खाने पीने की किसी चीज़ में से पास होती है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये वाइब्रेशन करवाती है माइक्रोवेव्स और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट से इंटरनली हीट से क्या होता है वो खाना पक जाता है मतलब गर्म हो जाता है पक जाता है तो ये तीन तो आपको नाम याद रखने कि इनसे इनको प्रोड्यूस करते हैं और यूज़ कहाँ पे है तो एक तो माइक्रोवेव ओवन का सबको याद ही होगा है हाँ ना उसमें तो नाम में ही आ रहा है माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं तो राडार नाम सुना है क्या आपने राडार में भी इसको यूज़ करते हैं राडार ठीक है राडार क्या होता है एक डिवाइस होता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और लोकेशन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है एरोप्लेन में भी लगा होता है क्रिकेट के मैदान में भी लगा होता है जो बॉलर बॉल फेंकता है ना उसकी स्पीड पता करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं उसको या जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होते है ना उनकी गाड़ी में भी रखा होता है मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पे तो इतना नहीं है लेकिन मेट्रो सिटीज में क्या होगा गाड़ी में रखा रहेगा ओवर स्पीड जो जहाँ सलमान खान घूमता है मान लो तेजी से तो तो ज़्यादा स्पीड से अगर वो कार चला रहा है गाड़ी चला रहा है तो उसकी स्पीड का पता लगा के फ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड लोकेशन पता करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं इसको रडार ठीक है एरोप्लेन में देखा होगा ना कई बार मूविंग दिखाते हैं तो एक डोट सा चलता हुआ दिखता है स्क्रीन पे तो उस स्क्रीन के ऊपर वो जो डोट सा चलता हुआ दिखता है ना वो सिस्टम राडार बोला जाता है जिससे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड लोकेशन पोजिशन वगैरह सब पता लगा लेते हैं दूर से ही ठीक है चलो इंफ्रा वेव्स इनको कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको एक चीज याद रखना सन से जो रेडिएशन एमिट होते हैं ना सन से जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं उनमें ये सारी रेंज होती है सन से यहाँ से लेके वहाँ तक सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगी और कुछ अपने लिए फ़ायदेमंद है कुछ नुकसानदायक है तो वो अलग अलग कैटेगरी है चलो लेकिन सन हर एक फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रो वेव एमिट करता है इन्फ्रा रेड वेव्ज होते हैं इनको हीट वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनको एबजॉर्व करता है तो ये उसमें ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको गर्म कर देती है तो सन से आने वाले जो रेडिएशन है जिनकी वजह से अर्थ गर्म रहती है वो कौन से वाले रेडिएशन होते हैं इन्फ्रा रेड वेव्ज होती है वो इस इसमें क्वेश्चन यही आता है कि अर्थ को गर्म रखने वाली वेव्स कौन सी हैं तो कौन सी हैं इन्फ्रारेड वेव्स इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल होता है उससे भी ये वाली वेव्स निकलती हैं रिमोट कंट्रोल होता है ना अपना टीवी मोबाइल रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें हर एक रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं जो कौन सी होती हैं इन्फ्रेड वेव्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं तो जो गर्म चीज़ होती हैं उनसे ये एमिट होती हैं Uh, जैसे कोई भी गर्म चीज़ है मान लो चाय का कप है वो आपने रख दिया तो उससे रेडिएशन निकलेंगे ठंडी होती जाएगी ना वो चाय तो उससे रेडिएशन निकलेंगे अब वो जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो कौन सी रेंज के होते, है? होते हैं इन्फ्रा वेव्स होती हैं वो रिमोट में भी होता है ये रिमोट में गर्म ऐसे नहीं है कि वो गर्म निकलती है उसमें लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें एक स्पेशल सर्किट यूज़ करते हैं मैंने आपको एक तरीका बताया था जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं याद करो एटॉमिक एक्साइटेशन उसमें ये वाले प्रोसेस यूज़ करते हैं रिमोट के अंदर एक छोटा सर्किट होता है उसमें जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो उसके जो एटम्स होते हैं उसके अंदर एक सर्किट होगा उसमें मटेरियल के जो एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे वो अपर ऑर्बिट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उसके और फिर वो जब लोअर ऑर्बिट में आएंगे वापस से तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको एमिट करेंगे अब वो जो सर्किट होता है उसमें हम इस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं कि उससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी एमिट हो वो किस रेंज की होनी चाहिए इन्फ्रारेड वेव्स की एनर्जी की रेंज की होनी चाहिए तो उससे रिमोट कंट्रोल से क्या होता है मतलब इसमें एक स्पेशल सर्किट होगा जिससे इन्फ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे बाकी जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं उनसे जो ई वेव्स निकलती हैं वो कौन सी हैं इन्फ्रारेड वेव्स ही है हीट वेव्स बोलते हैं इनको फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद कर लेना यहाँ से आगे रहेगा थ्री इंटू टेन एस्ट पावर इलेवन से लेके फोर इंटू टेन एस टू पावर फोर्टीन तक ये याद करना है ये रेंज आपको याद करनी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज की जो वेव्स होती है उनको क्या बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं तो गर्म चीजों से हॉट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनसे ये एमिट होती है ठीक है अगली है विजिबल लाइट विजिबल लाइट को एटॉमिक एक्साइटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है जब आप कैंडल जलाते हो आग जलाते हो कोई बल्ब है ट्यूबलाइट है हर जगह एक ही प्रोसेस होती है क्या होता है उसमें एटम एक्साइट होता है मतलब उसको एनर्जी दी जाती है जिससे एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपर अपर ऑर्बिट्स पे चले जाते हैं और जब वो वापस से लोअर ऑर्बिट में आते हैं उस एनर्जी को रिलीज़ करके तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस रेंज की होती है विजिबल लाइट वाली रेंज की होती है तो लाइट को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है एटोमिक एक्साइटेशन ठीक है और यूज़ कहाँ करेंगे तो हर जगह जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सब इसी पर काम करते हैं तो यूज़ यही है हम जो कलरफुल वर्ड देख रहे हैं चारों तरफ तो वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं विजिबल लाइट की वजह से अगर कहीं पे लाइट नहीं होगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे है ना तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लेंस मिरर हमारी आंखें ये सब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये सब किस पे काम करते हैं लाइट के ऊपर काम करते हैं तो ये इसका यूज है ठीक है रेंज क्या होगी तो फोर इंटू टेन एस टू पावर फोरटीन से लेके सेवन पॉइंट एट इंटू टेन एच टू पावर फोरटीन हर्ट्स अप्रोक्स ये रेंज रहेगी याद कर लेनी है इसके बाद में आ जाएगा अल्ट्रा वोलेट रेस ठीक है अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये एक तो वेरी वेरी हॉट बॉडीज है उनसे निकलती हैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे सन तो ये सन से एमिट होती हैं या बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ होगी ना उससे एमिट होंगी अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से एमिट होती हैं वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स बहुत वेरी नहीं वेरी वेरी हॉट है तो सन हो गया जैसे सन से ये रेडिएशन एमिट होते हैं इनका यूज़ आपको याद रखना है एक तो जो छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करने के लिए या जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना हम लोग उसको स्टरलाइज करने के लिए आपने किसी एक पेशेंट का ऑपरेशन किया उसके बाद में वो इंस्ट्रूमेंट अपन को दूसरे के लिए भी यूज करने होते हैं उसको फेक थोड़ी देंगे तो उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा अल्ट्रा ऑलेट रेज सेवन पॉइंट एट इंटू टेन डेस्टोबॉर फोर्टीन से लेके और ये होता है थ्री इंटू टेन पावर सिक्सटीन तक ठीक है जो बहुत ज्यादा गर्म चीज़ें उनसे अल्ट्रा ऑलेट रेज निकलेंगी लिविंग बींग्स के लिए खतरनाक है है ना और यूज़ का है तो यूज़ तो वो यूवी फिल्टर में यूज़ करते हैं ऐसा बोल सकते हो स्टेलाइज करने के लिए जैसे मैंने बताया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सरेज की रेंज क्या होगी फिर इसके बाद में तो ये इससे आगे रहेगा थ्री इंटू टेन डैच टू पावर सिक्सटीन से लेके थ्री इंटू टेन डैस टू पावर एटीन तक और एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का तरीका मैंने आपको शुरू में ही बताया था फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एकदम से रोकते हैं और उससे क्या होता है उनकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो बाय स्टॉपिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अच्छा वो फास्ट भी इतने होने चाहिए कि उससे ईएम एम वेव्स एक्सरेज बने ऐसे नहीं कि कोई धीरे से जा रहा था बोलो सर मैं तो इसी को फास्ट मानता हूँ मेरे से तो फास्ट ही है ये तो ऐसा नहीं फास्ट मतलब वो इतनी एनर्जी उनकी होनी चाहिए इतने फास्ट वो होनी चाहिए कि जब वो टकराएं किसी मेटल टारगेट से और उनकी एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी ईएम वेव्स में कन्वर्ट हो तो वो इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सरेज को प्रोड्यूस कर पाए यूज़ कहाँ होगा तो यूज़ तो एक तो फ्रैक्चर वगैरह किसी के फ्रैक्चर हो गया तो उसका एक्सरे करवाते हैं है ना फ्रैक्चर वगैरह का पता लगाने के लिए किसी बच्चे ने सिक्का निकल लिया तो कहाँ पे पहुँचा उसका पता लगाने के लिए ठीक है और इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं तो इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया आप शूज़ बना रहे हो या कोई बॉल्स बन रही है टेनिस की बॉल बन रही है आपकी कंपनी की तो अब आप, आप ये चाहते हो कि उस उसमें एक भी बॉल या एक भी शूज़ ख़राब नहीं जाए मार्केट में तो उसमें अगर कोई इंटरनल क्रैक्स वगैरह हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसका पता लगाने के लिए उनका एक्सरे होता है इसके अलावा जो स्मगलर वगैरह होते हैं ना वो कई बार क्या होता है गोल्ड वगैरह छुपा के ले आते हैं बॉडी के अंदर निगल लेते हैं कैप्सूल वगैरह और उनका पता लगाने के लिए जो एयरपोर्ट वगैरह पे ये वाला एक्सरे करके देखा जाता है उनका या आपके सामान का भी एक्सरे होता है वहाँ पे अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वो बैग है ना वो एक मशीन से निकालते हैं अच्छा क्या क्या लेके आए माल दिखा इधर अगर कोई आपके पास कोई ऐसी खतरनाक चीज़ है कोई चाकू है या कोई गन है या इस टाइप की तो उसमें एक्सरे में आ जाती है जिससे पता लगा कि उसको पकड़ ले जाती थो इधर आप पहले ठीक है अच्छा गामा रेज गामा रेज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनके न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकलते हैं उसमें एक टाइप का रेडिएशन होता है गामा रेस एल्फा बीटा गामा रेस ती, तीन टाइप की रेज किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकलती हैं और ये जो गामा रेज हैं न्यूक्लियस से निकलती है न्यूक्लियस से ये एमिट होंगी इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लेना थ्री इंटू टेन डैच टू पावर एटीन से लेके थ्री इंटू टेन डैच टू पावर ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू तक लिखा होता है कई बुक्स में तो ये ही की बात है आगे वाली रेंज जो भी होगी ये गामा रेंज होंगी प्रोड्यूस कैसे करते हैं क्या बताया आपको प्रोड्यूस करने का तरीका न्यूक्लियस इनका ओरिजिन होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से निकलती हैं बस ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं अगर कोई न्यूक्लियस कोई कोई अगर मटेरियल या कोई एलिमेंट अगर गामा रेज को एमिट कर रहा है तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या करता है न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है गामा रेज की फॉर्म में और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है कोई भी सिस्टम हो वो मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन में रहना चाहता है अगर किसी न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होता है स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या करेगा रेडिएशन करेगा अल्फा एल्फाबेटा गामा रेज एमिट करेगा तो ये एक टाइप की रेज है जो न्यूक्लियस एमिट होती है यूज़ अपने अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं इनका न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए यूज़ करते हैं कि इंपॉर्टेंट इसका रोल है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो उस उसमें फास्ट मूविंग जो गामा रेज है उनकी बम्बरिंग की जाती है जिससे वो टूट जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे ठीक है मैन मैन यूज बताएं आपको सारे